नमस्कार दोस्तों, बहुत अधिक स्वागत है आपका। आरपीएससी ने विभिन्न परीक्षाओं को जो संपन्न हो चुकी है उनकी काउंसलिंग का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। कुछ की काउंसलिंग अभी चल रही है, जैसे आरपीएससी प्रधानाध्यापक भर्ती की काउंसलिंग आज पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद में नंबर है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड भर्ती की काउंसलिंग का। तो सेकेंड ग्रेड भर्ती की काउंसलिंग से रिलेटेड एक न्यूज़ जो आज के समाचार पत्र में प्रकाशित हो रही है उसका विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही साथ ये परीक्षा या ये काउंसलिंग कब हो सकती है और किस माध्यम से होगी इसकी भी चर्चा करेंगे। इसलिए 2 से 3 मिनट तक वीडियो के साथ बने रहे और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी का निशान दबा दें, जिससे आपको ये लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो सबसे पहले यही न्यूज़ आई है कि प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा की आज काउंसलिंग पूर्ण हो जाएगी। इसमें 2,754 अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया गया था और उसको आयोग द्वारा घोषित काउंसलिंग के दौरान जो अनुपस्थित रहे उन्हें 6 सितंबर को फिर से बुलाया गया। यानी 6 सितंबर तक तो इसी का कार्यक्रम चलने वाला है और 6 सितंबर के बाद में आपका सेकंड ग्रेड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो रहा है, उसको देखते हैं। तो वरिष्ठ अध्यापक के ग्रेड सेकंड 2018 की काउंसलिंग इस सप्ताह होने की चांस हैं। ये अजमेर से मिली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप ये खबर यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड परीक्षा 2018 की काउंसलिंग का कार्यक्रम इस सप्ताह में ही जारी हो सकता है। आयोग शिक्षकों के 9,322 पदों पर भर्ती के लिए यह भर्ती प्रक्रिया जारी किए हुए हैं। आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने संकेत दिया है कि काउंसलिंग की कार्य योजना तैयार हो चुकी है और इस सप्ताह में ही कार्यक्रम जारी किया जाएगा। यानी अब काउंसलिंग का शेड्यूल इसी सप्ताह आपको जारी कर दिया जाएगा और ये काउंसलिंग का शेड्यूल जैसे ही जारी किया जाएगा आपके पास लेटेस्ट वीडियो के माध्यम से ये सूचना पहुँच जाएगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। अब आयोग को इस काउंसलिंग की ही शुरुआत करनी है और 9 विषयों के 9,322 पदों पर भर्ती के लिए ये करीब 20,464 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए पात्र घोषित किया गया है। तो 20,464 लोगों की काउंसलिंग में आपको पता है काफ़ी समय लगता है। ये जोन वाइज काउंसलिंग होने की संभावना है, जोन सभी अलॉट नहीं हुए है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आरपीएससी का विस्तृत आवेदन भी आपको प्रस्तुत करना है। तो विस्तृत आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया हम आपको अलग से वीडियो के द्वारा समझाएंगे। इन सभी समाचारों को समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।